पहले वाली वीडियो में हम लोग ने लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग बी कीपिंग, जिसको क्या कहते हैं, एपिकल्चर भी कहते हैं या एपिकल्चर ही है, तो इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। बी कीपिंग या एपिकल्चर क्या है? नॉर्मली कहने का मतलब क्या है कि बी की कीपिंग करना, बी कीपिंग मीन्स बी का कल्चर करना। तो बी का कल्चर हम क्यों करते हैं? बी का कल्चर करते हैं फॉर द क्या, रेयरिंग ऑफ बीज, बीज का जो रेयरिंग करेंगे, क्यों, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स एंड ऑल्सो इट इम्पॉर्टेंट फॉर द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। यानी हम हनी के प्रोडक्शन के लिए, वैक्स का मोम, जिसको वैक्स मतलब मोम कहते हैं, मोम के प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी कीपिंग करते हैं। तो बी कीपिंग का मेथड जो है बहुत पहले से ही चला आ रहा है, जब बहुत लोग सुगर आदि समय में ही, जब कोई सुगर नहीं बनाना, चीनी नहीं बनाना जानता था, तो ये इसका स्वीटनेस का यूज करते थे अपने काम के लिए। लेकिन अब जब एडवांस तरीके से इसका मॉडिफिकेशन हो चुका और एडवांस तरीके से लोग बी का कल्चर कर रहे हैं, जिसको बी कीपिंग करेंगे, और जिससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट में यह अच्छा प्रोडक्शन होता है जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा है। तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है कि जहां पे हम इसका कल्चर करते हैं उसको क्या कहेंगे, एपेरी। और जो लोग इस कल्चर में या मेथड में या टेक्निक में या मैनेजमेंट में लगे रहते हैं उसको क्या कहते हैं, एपेरिस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देखिएगा, ठीक है। अब अगर मेथड ऑफ एपिकल्चर या बी कीपिंग की बात करें तो दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, बी की कीपिंग कर सकते हैं, एक इंडिजिनस मेथड और दूसरा मॉडर्न मेथड। तो इंडिजिनस मेथड क्या हुआ, देसी मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं, देसी विदेशी कहते हैं। तो इंडिजिनस क्या हुआ, अपना देसी मेथड को हम इंडिजिनस, और मॉडर्न मेथड जो आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न तरीके से किया जाता है, तो ये दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो अगर हम इंडिजिनस मेथड की बात करें कि इंडिजिनस मेथड कैसे होता है, तो ये दिस इज द क्रूड मेथड, ये क्रूड मेथड है बिकॉज यूज, और क्या करेगा, क्रूड मेथड क्यों है, क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। और इस मेथड में क्या होता है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइव का यूजेज होता है। ये टू डिफरेंट टाइप ऑफ हाइव हमारा क्या होता है, फिक्स और वॉल हाइव्स। हनी बी के घर को क्या कहते हैं, हेक्सागोनल या पॉलीगोनल, जो बी का हाउस था उसको क्या कहते थे हम लोग, हाइव। तो फिक्स हाउस मीन्स फिक्स, मतलब जहां पे वो कहीं पे हाइव, वैसे जगह पे जहां पे फिक्स होगा, ठीक है। और उसी को कहते हैं वॉल, यानी वॉल पे फिक्स है। तो दिस इज कंस्ट्रक्टेड बाय द हनी बी, ऐसी जो हाइव होती है ये हनी बी के द्वारा ही बनाई जाती है ऑन द वॉल, वॉल पे या फिर ट्री विंग्स, पेड़ के टहनियों और कहीं पे भी। इसकी एक खासियत ये ध्यान देने वाली होती है कि ऐसी हाइव जो होती है वन साइड से ओपन होती है, यानी अगर बी अपना खुद से ये हाइव बना रहा है, ठीक है, ये बी अगर अपना हाइव बना रहा है तो किसी एक साइड से क्या होगा, ये ओपन होगा, जहां से वो अपना ओपनिंग होगा जिससे वो मेंटेन करेगा अपने एंट्रेंस और एग्जिस्टेंस के लिए। दूसरी हाइव, इंडिजिनस मेथड का दूसरा हाइव क्या होता है, मूवेबल हाइव। मूवेबल मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पे इसको मूव कर सकते हैं। तो मूवेबल हाइव की बात करें तो मेड आइदर, ये कैसा बना रहता है, इसको तो खुद हनी भी, फिक्स हाइव को खुद हनी भी फॉर्म करती है, लेकिन ये हाइव का क्या होता है, मेड आइदर क्या है, आइदर इन वुडन, लकड़ियों का बॉक्सेस का बना हो सकता है या अर्दन पॉट्स का बना हो सकता है। और जैसे ये वन साइड ओपन होता है, इसमें ये बोथ साइड ओपन हो सकता है। और इस हाइप की एक और भी चीज ध्यान देने वाली होती है कि इस हाइप को हम मूव कर सकते हैं, एक जगह रखने के बाद जब उसमें बीज आ गई तो हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी दीवार या कॉर्नर या कहीं पे भी एक जगह उसको मूव करके वहां से उठा के दूसरे जगह रख सकते हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी की बात करें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी हम कैसे करेंगे, हाइव से हम हनी का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत ही सिंपल है। ये हम प्रोसेस कब करते हैं, इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम में क्या करेंगे, स्मोक मतलब धुआं जला के या आग जला के क्या करेंगे, नियर द हाइव ले जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगी, जितनी भी हमारी हनी भी है वो क्या होगी, वहां से फ्री ऑफ बाहर माइग्रेट हो जाएगा। और बाहर माइग्रेट होने के बाद क्या करेंगे, हम चप्पू या ये से लेके हम उसको क्या करेंगे, स्क्रैप कर लेंगे और उससे क्या करेंगे, हनी का एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, यानी निचोड़ के या जैसे भी काट के उससे हनी का एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। लेकिन इस तरह के एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी में क्या होता है, हनी का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं। ये ड्रॉबैक क्या होते हैं, ये ड्रॉबैक जो है इंडिजिनस मेथड का, ये ड्रॉबैक क्या है, यहाँ पे जो हनी होती है, यानी हनी इज कॉन्टामिनेटेड विथ पॉलन ग्रेन, एग्स एंड लार्वा और हाइव। अपने लाइफ साइकिल में पढ़ा था
कि हाइव में अलग अलग चैम्बर है या सेल है और उसमें क्या है, एग्स है, लार्वा है, प्यूपा है, तो ये कंडीशन में क्या होता है, अगर हम उसके हाइव को स्प्लिंजिंग कर रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, काट के उसको निचोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसके एग्स है, ग्रुप्स है, लार्वा है, ये सब उसके साथ मिक्स होते हैं और ये सब कंटेमिनेटेड करते हैं उस हनी को। तो पहला तो ड्रॉबैक ये हो गया। उसके बाद क्या है, इस कंडीशन में अगर हम पूरे हाइव को निचोड़ है या उससे हनी का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो जितने भी एग और लार्वा है वो क्या होते हैं, फर्दर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो दूसरी कॉलोनी को तुरंत फॉर्मेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो यही बात हुई, एक लार्वा आर डिस्ट्रॉयड इन दिस टाइप ऑफ हाइव। कौन से हाइव्स में? इंडिजिनस मेथड में। सो इट टेक लॉन्गर फॉर मेकिंग ए न्यू हाइव। तो न्यू हाइव में बहुत ही टाइम लगेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ए न्यू हाइव एट ओल्डर प्लेस एट ग्रेटली डिक्रीज। जहां पे क्योंकि हमने क्या किया, पूरा हाइव को ही क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उस जगह पे फिर से आपका नया हाइव का फॉर्मेशन होना बहुत ही मुश्किल है। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक हुआ। दिस टाइप ऑफ हाइव ऑफन डिस्ट्रॉय बाय एंट, रैट, वैक्स एंड मंकी। ऐसा हाइव जो होता है, अगर मान लीजिए कहीं फिक्स है, वह वॉल पे है या मूवेबल है, तो यहाँ पे इजिली चींटियां हैं, आपकी मंकी हैं, वैक्ट है, ये क्या कर सकते हैं, ऐसे हाइव्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। एक्टिविटी ऑफ हनी बी आर कैनॉट बी कंट्रोल। इस तरह के हाइव में है, हनी की एक्टिविटी, हनी बी की एक्टिविटी कंट्रोल नहीं की जा सकती है, उसमें हमारा अपना कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, मॉडर्न तरीके से कल्चर करते हैं या बी कीपिंग करते हैं या कल्चर करते हैं। There are no chances of improving honeybee race. तो इससे हम कोई honeybee का race को improve नहीं कर सकते हैं। Hive also affected by various environmental factor. बारिश हुआ या बहुत तेज environmental condition change हुआ, तो इसमें क्या होगा, हम hive को finally इस hive पे क्या पड़ता है, effect पड़ता है environmental, different environmental factor का। तो इसलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इंडिजिनस मेथड जो है वो क्या है, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न मेथड करते हैं। मॉडर्न मेथड इज मोर एडवांस टेक्निक। तो मॉडर्न मेथड क्या है, मोर एडवांस टेक्निक है, किसके लिए, एपिकल्चर के लिए, और जिसमें हम क्या करते हैं, आपका मॉडर्न तरह का हाइव बनाते हैं। ये मॉडर्न हाइव जो है वो क्या है, टिपिकल मूवेबल हाइव है। तो फॉर दिस कॉटेज इंडस्ट्री, जब क्या मतलब बहुत जगह पे ये क्या है, ये कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में, प्रोग्राम के रूप में यूज किया जा रहा है, जहां पे क्या है 7 to 10 फ्रेम्स का हम फॉर्मेशन करते हैं। अगर हाइव की बात करें, मॉडर्न हाइव की, तो आज के टाइम में मॉडर्न हाइव की जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी है, 21 × 14.5 सेंटीमीटर, या अदरवाइज इससे भी लार्ज, ये स्मॉल साइज का हाइव है, और ये क्या है 31 × 20.4 सेंटीमीटर, ये बिग साइज की हाइव का फॉर्मेशन हम करते हैं। तो अगर टिपिकल मूवेबल हाइव की बात करें, तो टिपिकल मूवेबल हाइव कैसा होता है, जिसमें क्योंकि ये मोर एडवांस टेक्निक है, जो क्या है इंडिजिनस मेथड में, जहां पे सारे ग्रुप्स और सबका हाइव पूरा डिस्ट्रॉय हो जा रहा था, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइव का डिस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये कैसा बना रहता है, वुडन बॉक्सेस का, क्या होता है, वुडन बॉक्सेस का बना रहेगा, और वेरिएबल हाइट्स का होगा, अलग अलग हाइट्स का होगा। ये हाइट मैंने आपको बताया, ये छोटा हाइव या बड़ा हाइव। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, टिपिकली स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये देखिए क्या है, टिपिकल मूवेबल हाइव का। लेकिन इस मेथड को करने के लिए, मॉडर्न मेथड जो है, इस मेथड को करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले किस किस पॉइंट पे ध्यान देना पड़ता है, मूवेबल हाइव पे, जो टिपिकल मूवेबल हाइव है। उसके बाद क्वीन को हम एक्सक्लूडर, क्वीन एक्सक्लूडर हमारा होगा, मतलब क्वीन को हम एक्सक्लूड करेंगे, फिल्टर करेंगे, एक्सक्लूड मतलब फिल्टर करना। फिर वहां से हम क्या करते हैं, हनी का एक्सट्रैक्टर, हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फाइनली अनकैपिंग अ नाइफ। हनी एक्सट्रैक्टर हम कैसे करते हैं, अनकैपिंग ऑफ नाइफ के पहले, और हनी एक्सट्रैक्टर में क्या प्रोसीजर होता है, ये सेंट्रीफ्यूज का फॉर्मेशन, मतलब ये प्रोसेस होता है, और फाइनली अदर इक्विपमेंट भी, लोकली मेड इक्विपमेंट भी हम लोग यूज करते हैं, वो सस्ता होता है, चीप है, लेकिन क्या है, सबसे अच्छा क्या होता है, टिपिकल मूवेबल हाइव में, जो आपका मॉडर्न हाइव है। तो इस मॉडर्न हाइव में सब क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो ये पार्ट्स बहुत ही आसान है पढ़ने में। पहला क्या है, स्टैंड। स्टैंड को हम क्या कहेंगे, बेसल पार्ट, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं स्टैंड है हमारा, और स्टैंड में क्या है, ये बेसल पार्ट है। तो ये स्टैंड होने की वजह से क्या है, बेसल पार्ट होने से क्या करेगा, ये अवॉइड करेगा, हाइव को हर तरह से प्रोटेक्ट करेगा, यानी हाइव में पानी का एक्युमुलेशन ना हो, यानी अवॉइड एक्युमुलेशन ऑफ रेन वाटर बाय दिस स्टैंड। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या, बॉटम ब्रॉड। बॉटम ब्रॉड क्या कह सकते हैं, जस्ट प्लेस्ड ओवर द स्टैंड। स्टैंड के ऊपर जो हमारा दूसरा आपका चैम्बर है या दूसरा आपका प्लेस है, वो क्या है, बॉटम ब्रॉड प्लेस है,
और बॉटम ब्रॉड प्लेस क्या है आपका फॉर्म फ्लोर ऑफ हाइव, ये क्या करता है फ्लोर बनाता है हाइव का, और इसमें टू आपका डोर्स की तरह डोर्स होते हैं, एक एक डोर्स क्या होगा इनलेट और अदर क्या होगा आउटलेट होगा, तो ये हमारा बॉटम ब्रेड। जस्ट बॉटम ब्रेड के ऊपर क्या है ब्रूड चैम्बर, और ब्रूड चैम्बर क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैम्बर है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रूड चैम्बर क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाइव, इस हाइव का मॉडर्न हाइव का या टिपिकल हाइव का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, और इसमें लगभग क्या होता है 7 to 10 फॉर्म्स हो सकते हैं, और ईच फॉर्म्स में कंटेन करता है क्या हेक्सागोनल, क्योंकि हनीबी की कम कैसी थी हेक्सागोनल या पॉलीग्लास सेल, तो हेक्सागोनल क्या होता है आपका फ्रेम होता है जो हैंगिंग रहेगा इस आपका ब्रूड चैम्बर में विथ वायर, और कवर्ड करेंगे हम उसको वैक्स से, यानी हैंगिंग होगा उस चैम्बर में और उसको हेक्सागोनल फ्रेम्स जो है और उसको क्या करेंगे कवर करेंगे हम वैक्स से, और इसके लिए वैक्स से कवर करने के लिए क्या करते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे हनी बी को वहां रखेंगे, तो हनी बी क्या करेगी वैक्स का सिक्रेशन करके आपका ईच वैक्स लेयर इज कॉल्ड, तो वैक्स का फॉर्मेशन करेगी और उस तरह क्या करेगी उसको फ्रेमिंग करेगी, तो ईच वैक्स लेयर इज कॉल्ड कॉम्पाउंडर्स, ठीक है इसको क्या कहेंगे कॉम फाउंडेशन, जहां पे वैक्स को वो लेयर को क्लियर कर दी है, और इस तरह फ्रेम आर वर्टिकली प्लेस्ड इन हाइव, और इस तरह फ्रेम इसमें जो अलग अलग 5 to 10 फ्रेम्स या फॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं वो इसमें हैंगिंग होगा और क्या होगा वर्टिकली इसको प्लेस करेंगे, तो ब्रूड चैम्बर में क्या होगा आपकी जो वर्कर्स है इसको फाइनली क्या करते करेगी फॉर्म करेगी। उसके बाद आता है सुपर चैम्बर, सुपर चैम्बर जस्ट अबव द आप देख सकते हैं इस ब्रूड चैम्बर के और जस्ट अबव क्या है हमारा नेक्स्ट चैम्बर जिसको हम कहेंगे सुपर चैम्बर, और सुपर चैम्बर क्या होता है विदाउट बेस, इसके पास कोई भी बेस नहीं है और ये कवरिंग विदाउट बेस और कवर्ड और प्रोवाइड क्यों कर रहा है इस ब्रूड चैम्बर में जो एक्स्ट्रा हमको पैसेज और स्पेस नहीं मिल रहा है, तो इसी ये चैम्बर को क्या करता है एक्स्ट्रा पैसेज या स्पेस देता है, किसको ब्रूड चैम्बर को एक्सेस क्या देता है आपका सुपर चैम्बर पैसेज देता है। जस्ट ब्रूड चैम्बर के ऊपर क्या है इनर कवर, जिसको हम क्या कहेंगे इनर कवर, तो इट इज फॉर्म ऑफ उडेन, उडेन का लकड़ी का बना रहेगा और कवर करेगा किसको क्योंकि ये तो कवर नहीं है, तो सुपर चैम्बर को कौन कवर कर रहा है फाइनली, फाइनली कौन कर रहा है इनर कवर, और इट इज अ परफोरेटेड बाई ए पैसेज, ये परफोरेटेड होगा आप यहां देख सकते हैं जाली जैसा है परफोरेटेड होगा ताकि इजिली इसमें वेंटिलेशन हो एयर का पैसेज हो पाए, और सबसे ऊपर क्या हो गया हमारा ये टॉप कवर, टॉप कवर क्या होता है ये जिंक के सीट का बना रहता है और प्रोटेक्ट करता है हाइव को फ्रॉम द रेन वाटर यानी बारिश के पानी, और इस तरह सबसे क्या करता है ये पूरे हाइव को प्रोटेक्ट करता है, तो ये क्या है टिपिकल मूवेबल हाइव जिसमें क्या होता है हर चैम्बर आपका अलग अलग है, तो ये क्या हो गया स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल हाइव। अब उसके बाद हम क्या करते हैं क्वीन एक्सक्लूडर को देखते हैं हनी एक्सट्रैक्टर और अनलाइक टिपिकल मूवेबल हाइव में के बाद हम क्या देखेंगे क्वीन एक्सक्लूडर और हनी एक्सट्रैक्टर कैसा होता है, तो क्वीन एक्सक्लूडर क्या है फॉर्म्ड ऑफ वायर एंड होल आर अबाउट 0.3 and 0.75 mm वाइड, यानी ये वायर और होल का बना रहेगा जिसमें क्या होगा सिर्फ ड्रॉन और हनी बी वर्कर जो है वो हनी वर्कर कैन पासेस थ्रू द नेट बट क्वीन नेवर, तो इस वजह से क्या हो क्वीन को हम यहाँ फिल्टर कर दे रहे हैं इसलिए इसको क्या कहें क्वीन एक्सक्लूडर। हनी एक्सट्रैक्टर में क्या प्रोसेस करते हैं हम ये यूज्ड ऑफ द एक्सट्रैक्टर ऑफ हनी फ्रॉम कॉम एंड फंक्शन, यानी जब आपका कॉम से हम हनी को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हनी एक्सट्रैक्टर, और ये क्या है इसका प्रिंसिपल फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल, ये किस पे वर्क करता है हनी एक्सट्रैक्टर का वर्क क्या किस पे करेगा यानी किस सिद्धांत पे करता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे जाते जैसे हम लोग मिक्सी चलाते हैं उसी को कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल, तो बाय दिस प्रोसेस प्योर हनी इज थ्रोन आउट विदाउट एनी डैमेज ऑफ द कॉम या विदाउट एनी हाइव को डैमेज किए क्या होता है सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस से वो क्या होगा आपका प्योर हनी आ जाएगा, ना इसमें ग्रुप्स रहेगा क्योंकि हर एक चैम्बर में क्या अलग अलग चैम्बर है ब्रूडिंग चैम्बर है सुपर चैम्बर है आपका हर एक चैम्बर अलग है इसलिए इसमें प्योर हनी का क्या होता है प्रोडक्शन होगा। उसके पहले हम क्या करते हैं अनकैपिंग नाइव, अनकैपिंग नाइव में क्या करेंगे वेन ऑल ऑफ द कॉम्स आर फिल्ड विथ हनी देन दे आर सील बाय द कैपिंग विथ ए वैक्स, इसको वैक्स से सील कर देंगे और बिफोर सच कैप्ड कम आर प्लेस्ड इन द हनी एक्सक्रेटर वहां पे रखेंगे ठीक है, और सीलिंग हैव टू रिमूव विथ ए हेल्प ऑफ द अनकैपिंग
कटिंग नाइफ हीटिंग बाय द स्टीम बिफोर यूज। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको हम क्या करते हैं, वैक्स से फिल कर देते हैं और क्या करते हैं एक्सट्रैक्टर में रखने से पहले हम उसको क्या करेंगे, अनकैपिंग कर लेंगे ताकि उसमें वैक्स वहां से अलग हो जाए। तो ये क्या है, हमारा मूवेबल जो हाइप था और मॉडर्न हाइप जो था हमारा, उसका हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, ये एडवांटेज को भी हम लोग देख लेते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ एपिकल्चर में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वो बेनिफिट्स क्या है, वो बेनिफिट्स है एक्टिविटी ऑफ हनी बी हम कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल। वहां पे हम इंडिजिनस में क्या करते थे, एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाते थे और यहाँ हम क्या कर पा रहे हैं, एक्टिविटी को कंट्रोल कर पा रहे हैं। साथ ही साथ क्या है, ए स्ट्रॉन्ग कॉलोनी, वहां पे क्या था, पूरी कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो जाती थी जब हम हनी को एक्सट्रैक्ट करते थे। यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉलोनी कैन बी डेवलप बाय प्रोवाइडिंग सुगर सिरप एंड पोलन सब्सटेंसेस टू द बी। साथ ही साथ क्या है, स्वार्मिंग ऑफ बी इज चेक्ड बाय हनी बी, तो स्वार्मिंग भी चेक की जा रही है हनी बी के द्वारा। हाइव कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एंट वैप्स रैट, इंडिजिनस में क्या था कि इजिली क्या था, रैट्स और वैप्स और मंकी क्या कर रहे थे, उसको इजिली क्या कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हाइव को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द सेम हाइव कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, क्योंकि वुडन का बन रहा है, मूवेबल है, मॉडर्न तरीके का बन रहा है, तो ये हाइव को हम बार बार यूज कर सकते हैं। द हाइव कैन इजिली बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऐसे हाइव को हम क्या करते हैं, इजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, प्योर हनी कैन बी ऑब्टेन, प्योर हनी का क्या होता है, ऑब्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिक्स नहीं होता है आपके एग्स का, ग्रुप्स का या लार्वा का। तो एक्सट्रैक्शन जो हनी का हो रहा है वो क्या है, प्योर है। लेकिन इसमें फिर भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रिकॉशन रखते हैं। ये प्रिकॉशन क्या है, द हाइव शुड नॉट बी केप्ट मोर देन हाफ ए माइल अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर द बीज हैव टू कलेक्ट द नेक्टर एंड पोलन गेयर, यानी हाइव को हम हाफ ए माइल से ज्यादा दूर नहीं रखेंगे जहां से वो नेक्टर या पोलन ग्रेन को कंटेन करती है या कलेक्ट करती है। पीपुल मस्ट नो अबाउट द कीपर फॉर प्रॉपर कॉन्टैक्ट, यानी प्रॉपर कॉन्टैक्ट में भी होना चाहिए। बॉक्सेस मस्ट केप्ट अंडर द शेड एंड कूल प्लेसेस, जो आपकी उसकी हाइव है, मूवेबल हाइव है, उस बॉक्सेस को हम हमेशा कूल प्लेसेस, ठंडे प्लेस में और छाए में रखेंगे। फ्रेश वाटर रिजर्वायर शुड नियर द हाइव, फ्रेश वाटर रिजर्वायर आपका हाइव के पास होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान देना है कि इंडस्ट्री शुड बी नियर द रोड, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री होनी चाहिए इसके लिए वो रोड के किनारे होना चाहिए ताकि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल पाए। इसके अलावा भी बहुत सारी सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे हम हमेशा ये ध्यान देंगे कि जहां पे भी हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं या इंडस्ट्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसके बगल में ही क्या हो, आपके अच्छे फ्लोरा और जो आपका पेड़ पौधे या फूल या जो भी गार्डन हो उसके नजदीक ही हो जहां से वो नेक्टर को कलेक्ट कर पाए। तो इस तरह आजकल के पूरे इंडिया में हर जगह आपका बी कीपिंग का बहुत ही ज्यादा प्रचलन हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, आपका केरला, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, वहां पे क्या है, अब तो ऑल इंडिया कवर कर रहा। तो इस तरह क्या कर रहे हैं, बहुत सारे हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री छोटे छोटे कुटीर उद्योग या लघु उद्योग के रूप में इसका, कॉटेज इन्वर्स जो आप बोलेंगे इंडस्ट्री के रूप में इसका आजकल बहुत ही प्रचलन हो गया है, जिससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट भी, छोटे छोटे रोजगार भी मिल रही है। और हनी का बहुत सारा क्या है कि इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है, इसके वैक्स का भी मेडिसिनल वैल्यू है। तो प्रॉपर्टीज, गुड प्रॉपर्टीज और अच्छे प्रॉपर्टीज की वजह से क्या करते हैं लोग, इसको इंडस्ट्री के रूप में आपका बी कीपिंग कर रहे हैं, किसका, आपका हनी बी का। तो इस तरह बी कीपिंग करके हम क्या कर सकते हैं, हनी और वैक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बी कीपिंग प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये टॉपिक इजीली समझ में आ गया होगा। प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।